मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स. आज की क्लास में मैं आपको नया पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और जिसका नाम है पार्ट 10 और जिसका नाम है भाग सीखें. तो पार्ट जो आपका 9 था वो मैंने कल की क्लास में पूरा करवा दिया था और आज हम करेंगे कौन सा पार्ट, पार्ट 10. और इसकी जो अभ्यास है, अभ्यास 16 को करेंगे. मैं यहाँ लिख देती हूँ अभ्यास कौन सी करेंगे, अभ्यास 16. ठीक है, तो प्रश्न देख लेते हैं. प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, नीचे दी गई संख्याओं का भागफल ज्ञात कीजिए. तो भागफल ज्ञात करने से पहले ये तो पता होना चाहिए भागफल क्या होता है. तो बताती हूँ मैं आपको प्रश्न के साथ ही. तो पहले एक बार मैं आपको प्रश्न लिखवा देती हूँ. 10 और उसका भाग देना है आपको 2 का भाग देना है. ठीक है, संख्या 10 है और 2 का भाग देना है. ये पहला प्रश्न है और इस तरीके से. ठीक है, दूसरा प्रश्न है 73 और संख्या है 9. तीसरा प्रश्न है 64 जिसका भाग देना है 8. अगला प्रश्न है 56 का भाग देना है 7. और इसमें 54 और देख लेते हैं आगे और कौन से प्रश्न हैं. प्रश्नों को हम देखते हैं, इसमें हमें क्या करना है, भागफल याद करना है. क्या नहीं निकालना है, भागफल याद करना है. प्रश्न पहला लिखती हूँ मैं, भागफल याद कीजिए. ये पहला प्रश्न है. ठीक है, तो मैं आपको तभी बताऊंगी कि भागफल क्या होता है. यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है. जो भी आपको संख्या यहाँ दी गई है, ठीक है, उसको बोलते हैं, उसको आपको क्या करना होता है, उसका पहाड़ा बोलना होता है. इसका क्या आपको करना होता है, पहाड़ा बोलना होता है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी ये को हम, इस संख्या को हम क्या कहते हैं, इस संख्या को हम कहते हैं भाजक. इस संख्या को जो भी यहाँ पे जिसका हम भाग देते हैं, जिसका हम पहाड़ा बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाजक. ठीक है, यहाँ पे जो हमारा जो हमारी जो संख्या आती है उसको बोलते हैं भागफल. तो भागफल को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं. ठीक है, दोनों सही जगह है, कहीं पर भी आप लिख सकते हो भागफल. आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो. ये जो संख्या होती है जो बीच में लिखते हैं इसको बोलते हैं भाज्य. इसको क्या बोलते हैं, भाज्य. ठीक है, इस संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य. और यहाँ पे बता दें मैंने, यहाँ जो ये संख्या होती है इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं भागफल. ठीक है, इन संख्याओं को क्या बोलते हैं, भागफल. तो इनको भाग के प्रश्न हम किसकी सहायता से करते हैं, भाग के प्रश्न हम पहाड़ों की सहायता से करते हैं, पहाड़े बोलते हैं. करते
भाजक जो भी संख्या होती है उसका पहाड़ा तब तक बोलते हैं जब तक ही हमें ये भाज्य संख्या नहीं मिल जाती, ठीक है। तो दो के पहाड़क को जब तक बोलेंगे जब तक ही हमें दस नहीं मिल जाए। दो एकम दो, दो दूना चार, दो दिया छः, दो चौक आठ, दो पंजे दस। तो कितनी बार आया देखो, यहाँ पे ऐसे होता है दो दो पंजे क्या आता है दस आता है। तो दो का पहाड़ा तो चल रहा है, संख्या क्या आ रही है दस आ रही है, लेकिन कितनी बार आ रही है। दो का पहाड़ा पांच बार बोलने पे ना, तो हम यहाँ जो पांच होता है जितनी बार संख्या आती है यानी भाजक का पहाड़ा बोलने पे भाज्य वाली संख्या जितनी बार आएगी वो जो टाइम होता है जितनी टाइम आती है वो हम यहाँ लिखेंगे। दो पंजे संख्या क्या आएगी दो पंजे दस आया ना, तो उस दस को यहाँ पहुँच गए, ठीक है। और फिर क्या करेंगे दोनों संख्याओं घटा देंगे, दो जीरो में से जीरो घटाए जीरो, एक में से एक घटाए जीरो, हो गया आपका प्रश्न। तो भागफल कितना आया पाँच, ठीक है, भागफल ज्ञात हो गया पाँच आ गया। नौ का पहाड़ा हम जब तक बोलेंगे जब तक कि बेहतर नहीं आ जाएगा। तो नौ एकम नौ, नौ दून अठारह, नौ तीन सत्ताईस, नौ चौक छत्तीस, नौ पंच पैंतालीस, नौ छः चौपन, नौ सत्तर इकसठ, नौ आठ बेहतर। तो नौ के पहाड़े में आठ बार में संख्या क्या आई बेहतर, तो हमने लिखा आठ बार में बेहतर और घटा दिया तो यहाँ पे घटाने पर जीरो आया, ठीक है। ऐसे ही आठ का पहाड़ा हम आठ के पहाड़े में देखेंगे चौंसठ कितनी बार आता है। आठ एकम आठ, आठ दूना सोलह, आठ तीन चौबीस, आठ चौक बत्तीस, आठ पंच चालीस, आठ छः अड़तालीस, आठ सौ छप्पन, आठ आंटी चौंसठ। तो आठ के पहाड़े में आठ बार क्या आया चौंसठ आया और घटाने पर, ठीक है। सात का पहाड़ा बोलेंगे हम, सात के पहाड़े में छप्पन कितनी बार आता है। सात एकम सात, सात दूना चौदह, सात इक्कीस, सात चौक अट्ठाईस, सात पंच पैंतीस, सात छः बयालीस, सात सौ उनचास, सात दो अठारह, सात अठारह छप्पन। आठ बार में छप्पन आया तो यहाँ पर भी हमारा चौपन कितना आया आठ। छः के पहाड़े में चौपन कितनी बार आता है। छः एकम छः, छः दूना बारह, छः तीन अठारह, छः चौ चौबीस, छः पंच तीस, छः छः छत्तीस, छः सौ बयालीस, छः अठारह अड़तालीस, छः नौ चौपन। तो नौ बार में क्या आया चौपन आया, ठीक है। नौ बार में हमने क्या लिख दिया चौपन। अब एक बार इनको देख लेते हैं यहाँ से शुरू करो या यहाँ से। चार का पहाड़ पहाड़े में बत्तीस कितनी बार आता है। चार तीन चार, चार गुना आठ, चार तीन बारह, चार चौक सोलह, चार पंच तीस, चार छः चौक, चार सौ अट्ठाईस, चार आठ बत्तीस, ठीक है। पाँच के पहाड़े में चालीस कितनी बार आता है। पाँच चौक पाँच, पाँच गुना दस, पाँच तीन पंद्रह, पाँच चौक बीस, पचम पच्चीस, पाँच छः तीस, पाँच सत्तर पैंतीस, पाँच आठ चालीस। छः के पहाड़े में अड़तालीस, छः छः आठ है अड़तालीस, ज़्यादा तो सबका भाग पर आठ ही आ रहा है। सात के पहाड़े में तिरसठ, सात एक सात, सात दो चौदह, सात एक सात छः अठाईस, सात पंच पैंतीस, सात छः बयालीस, सात सत्रह उनचास, सात दो अठी छप्पन, सात नौ तिरसठ। तब तक हमें पहाड़ा बोलना तब तक ही हमें ये संख्या नहीं मिल जाती और वो जितनी बार में आएगा वो संख्या क्या कहलाएगी भाग पर, ठीक है। आठ के पहाड़े में बहत्तर, आठ एकम आठ, आठ दूना सोलह, आठ तीन चौबीस, आठ चौक बत्तीस, आठ तीन चालीस, आठ छः अड़तालीस, आठ सौ छप्पन, आठ आठ चौसठ, आठ नौ बहत्तर, बहत्तर आ गया बता दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे जो प्रश्न हैं अभ्यास 16 उनको अपने बुक में करना है और ये वाले प्रश्न अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है। इसके बाद जो अभ्यास है 17, अभ्यास 17 में आपके भागफल ही ज्ञात करने वाले प्रश्न हैं और अंतर इतना है कि उसमें तीन अंक होंगे, भाज्य में कितने अंक होंगे तीन अंक, और फिर तीन अंकों का भाग हम कैसे देंगे भाजक में वो हम देखेंगे अगली हमारी कल की क्लास में। तो ये वाले प्रश्न अपनी कॉपी में करना और बाकी जो भी सारे प्रश्न हैं वो अपनी बुक में करना, ठीक है।